अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहीर टीवी शो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सियालकोट पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, और वो किस लिहाज से पहचाना जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्स का सामान जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, और यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी काफ़ी मतलब यहाँ पे बनाए जाते हैं। और मतलब काफ़ी कारोबार है जो कि मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटिव फुटबॉल हैं, जैसे कि आपको पता है फीफा फुटबॉल जो ये पिछले वर्ष भी जो हुआ था, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ के सियालकोट के जो फुटबॉल हैं स्पेशली वहाँ पे जो है ना वो वर्ल्ड कप में वो खेले गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं क्रिकेट बैट के ऊपर इस कारखाने में आया हूँ, और आपको मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पर ये बैट कारीगर कितनी मेहनत और लगन से इस बैट को बनाते हैं, और जिसे हम ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी नामवर हार्ड बॉल के, टेप बॉल के, यहाँ पे ये हमारे उस्ताद हैं, हम इनसे बात भी करेंगे और वो हमसे हम पूछेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप मतलब इसको बनाते हैं, लकड़ी कहाँ से आती है, किस किस्म की लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं टोटली सब कुछ जो है ना वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे ये बैट तैयार होता है और कैसे आप तक पहुँचता है। दोस्तों, इसमें काफ़ी लो क्वालिटी भी होती है, अच्छी क्वालिटी भी होती है, और ये उस्ताद का इन्हीं का काम होता है, जिस तरह मतलब ज़रा ही कारीगर है, ये बैट में इन्होंने जान डालनी होती है, शाइनिंग डालनी होती है, काफ़ी दोस्तों ये मेहनत करते हैं। तो आइए हम उस्ताद से बात करते हैं। उस्ताद जी आइए दोस्तों, हम शहबाज भाई से जो हमारे उस्ताद हैं, यहाँ पे कारखाने के जो मालिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अच्छा ज़हीर भाई, आप बैट के मतलब बात करते थे तो जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपको मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था और आपने हमें मौका दिया इधर आने का। तो प्लीज़ आप हमारे जो नाजरीन, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें आप बताइएगा कि इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से मतलब किस किस्म की लकड़ी आती है, और उसको आप कैसे मतलब उसके क्वेश्चन वाइज कैसे आगे चलते हैं। प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और देखने वाले उससे भी ज़्यादा, तो प्लीज़ उनको ये बताइएगा कि ये कैसे आप मैनेज करते हैं। हाँ बिल्कुल ज़हीर भाई, मैं आपसे ये बात करूँगा कि बैट क्रिकेट बैट बनता है ना जी, ये बहुत ही मुश्किल काम है जी। अच्छा, इसकी लकड़ जो है ना ये बर्फीले इलाके में होती है, और बर्फीले इलाके से ही आती है। अच्छी लकड़ जो होती है ना वो बर्फीले इलाके में होती है। ये लकड़ है वो, ये मेरा कैमरामैन दिखाया, ये लकड़ है जी। इन टुकड़ों में इस तरह के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े पीस आते हैं, तो ये पीस गाड़ियों में इनके पास आते हैं जी। फिर इसको हम काटते हैं, और काट के इनकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करके फिर इनमें से देखते हैं कितने हम पीस निकाल सकते हैं, अपने लिहाज से हमको कम से कम रियात पड़े। तो बात यह है कि रियात तो वो लकड़ होती है जो कम होती है, हल्की होती है। जो अच्छी होती है वो तो महंगा ही पड़ना है। जो स्पोर्ट बाहर की क्वालिटी की लकड़ है हार्डबॉल की, वो बाहर से आती है। हार्डबॉल की लकड़ बहुत अच्छी होती है, और बैट भी काफ़ी मेहनत से बनता है और बहुत अच्छा। ये मुझे पता चला, ये लकड़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होती है, इसका मतलब बाहर से भी आती है। बाहर से आती है, तो उसमें मेहनत आप ही करते हैं? मेहनत इधर ही करते हैं। तो वैसे देखा जाए सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ बैट बना रही हैं, जैसे ये मलक वाले हैं और दूसरे हैं। तो आप मतलब किस किस्म का बैट बनाते हैं? हम जो बनाते हैं ना टेप बॉल बैट बनाते हैं, अभी जो हार्ड बॉल है वो भी बनाते हैं, लेकिन हार्ड बॉल जो है हम बड़ी कंपनी से लकड़ ले लेते हैं, जो वो बाहर इंपोर्ट करते हैं उधर से। तो इसलिए हमें इतने हमारे पास मिसाइल नहीं है जो हम डायरेक्टली खरीद सकें, तो हम इधर से ले लेते हैं, थोड़ी बहुत काम चला लेते हैं। तो जो है ना दूसरा अपना जो अपने इलाके की लकड़ है जो टेप बॉल की है, वो तो हम इधर से गाड़ियों की गाड़ी यानी कि कंटेनर के कंटेनर ही लेते हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा कि ये जो टेप बॉल की मतलब पाकिस्तान से जो लकड़ी आती है, उसमें वो किस किस्म की लकड़ी होती है, उनका नाम बताइएगा प्लीज़। हाँ, इसमें 3-4 किस्म की लकड़ होती है। एक तो रावला गोट है, जो रावला गोट बोला जाता है, वो पेशावर वाली साइड पर है, और उस पेशावर की लकड़ भी होती है जो थोड़ी सी कम कीमत वाली होती है। तो रावला गोट सबसे अच्छी लकड़ होती है। उससे भी अच्छी एक लकड़ है जो कश्मीर से आती है, वो आजकल नहीं आ रही, वो मुश्किल बना हुआ है काम। तो जो हम अभी जो श्रीलंका से मंगवा रहे हैं ना वो बैट, वो बहुत अच्छी लकड़ है, वो श्रीलंका वाली भी और हमारा रावला कोड भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रावला कोड, श्रीलंका से भी अच्छा है। सिर्फ इसकी लुक जो है बहुत सुंदर लुक आती है, चमक इसकी इतनी ज़्यादा बन जाती है कि आदमी बैट पकड़ के बोलता है हमने बैट यही लेना है। जी बिल्कुल जी, जाहिर बात है आप कारीगर हैं, आपने उस बैट को मतलब ये लकड़ी है देखने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जब आपने इस पर मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, तो ये दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारे जो उस्ताद हैं इन्होंने इसकी अभी थोड़ी सी तैयारी की है, इस भी वक़ा से काफ़ी मेहनत इन्होंने की है। ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं, उस्ताद आपको ये लकड़ी काट के भी दिखाएंगे, ये आरा आप देख सकते हैं। तो मैं ये शहबाज भाई के लिए कुछ कहना चाहूँगा, ये यकीन करें कि इतने मेहनती हैं, हालाँकि ये खुद मालिक हैं, तो ये इन्होंने वर्कर भी अपने साथ रखे हुए हैं, ये खुद मालिक हैं, और साथ उनके बिल्कुल उनके साथ शाना बिशाना उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ जब भी देखता हूँ ये उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो इनको हम अप्रिशिएट करेंगे कि मतलब इतने ये अमीर नहीं हैं, बस गरीब ही हैं, लेकिन ये है कि अपना इन्होंने ये सेटअप ये चलाया हुआ है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और साथ जो इन्होंने कारीगर रखे हुए हैं वो भी यहाँ पर मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो शहबाज भाई ये बताइएगा आपके पास इस टाइम कितने कारीगर हैं? हमारे पास जो दोस्त है काम करने के लिए भाई कारीगर, उसे हम दोस्त ही बोलते हैं, चले वो 3-4 हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल जा रही है ना उसके लिहाज से वो 3-4 कारीगर जो बनाते हैं ना उनका रोज़गार अच्छा चल जाता है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो मार्केट के हिसाब से अभी वो नहीं चीज़ ठीक है। जी बिल्कुल हम समझ सकते हैं, कारीगर इनके पास इस टाइम उस सूरत हाल उस तरह के नहीं है, तो जैसा कि मैं अब उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही इजाज़त है। तो आपको पता लॉकडाउन हुआ है, उस वजह से कारीगर की भी इनके पास कमी है, लेकिन ये खुद मेहनत करके जो 4-5 लड़के हैं उनके साथ ये चीज़ अपनी ये शुरू कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि सियालकोट स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं, यहाँ पर इमाम साहब सरकार, यहाँ पर बहुत औलिया कराम उनके दरबार हैं, तो ये सियालकोट हमेशा कहा जाता है, सियालकोट जगह जगह यहाँ पे लिखा होता है सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू हमेशा जिंदा रहेगा। शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, जिनका घर यहीं कुछ ही फासले पर वाक़या है, और करतारपुर कॉरिडोर जो आपके सामने पूरी दुनिया इस टाइम उस चीज़ की तारीफ़ कर रही है, और हमारे हमसाया मुल्क जो भारत है, जो हमारे पीएम साहब हैं, हमने जो पीएम साहब हैं अपने इमरान खान साहब, उन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये जो सिख बरदरी के लिए उन्होंने ये इतना कुछ किया है, आज सारी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। तो इस लिहाज से शुक्र अल्लाह का कि सियालकोट को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त बख्शी हुई है। तो अभी हम उस्ताद से कहेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये लकड़ी काट के दिखाएँ और इसका जो है ना मुकम्मल हमें रिव्यू बताएं कैसे बैट बनता है। जी दोस्तों आप ये मेरे पीछे ये जो लकड़ी देख रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले वो लकड़ दिखाई थी ना, मतलब ट्रक में वो लकड़ आती है, ये लकड़ी इन्होंने अपने काट के आरे पे तो इस तरह ये देखें इन्होंने ये स्टोर की हुई है, क्योंकि वो लकड़ी जो है ना वो गीली होती है, तो इसलिए वो उसे उसी टाइम उस पर काम नहीं कर सकते। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये देखें इन्होंने ये सारी लकड़ी इधर लगाई हुई है, ये बीच में वो देखें सूखी हुई है, बीच में एक थोड़ी सी गीली भी है, ये आपको साफ वाज़ह नजर आ रही है। चलिए मैं आपको एक लकड़ी पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखें ये अभी ये लकड़ी थोड़ी बहुत ही सूख चुकी, बल्कि काफ़ी सूख चुकी है, ये अभी बैट बनने के लिए क्रिकेट बैट जो है ना ये उसके बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुछ इन्होंने ये छत के ऊपर भी लगाई हुई हैं। अब ये देखें ये आप लकड़ी देखें ये इस शेप की है, ये आप देखें कैमरा मैन अगर आपको दिखाया था, ये लकड़ी की हालत देखें, और ये इन कारीगरों की हिम्मत है कि उस बैट में इतनी वो जान डाल देते हैं कि क्या ही बात है उसकी। भाई हम तो आपको सलाम पेश करेंगे उस्ताद जी, जिस तरह मतलब बैट बनाते हैं। तो एक बात उस्ताद जो है ना उन्होंने मुझे कही है कि अगर मैं अपना जो फ़ोन नंबर है इनका वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके आप ये बैट ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कम रियायत में कम प्राइस में आपको एक अच्छा बैट जो है ना वो मिल जाएगा। तो चलें ठीक है, फिर हम आपको ये साथ पकड़ें। जी ये हमारे शहबाज भाई अभी जो देखें ये अभी इनके पास करना है उसके मुताबिक इसमें ये लाइनें लगाएंगे, ये देखें हैं आपके सामने। ये कंपनी के साथ ये खाने वाली, ये आप लकड़ी की हालत देख सकते हैं, मतलब ये कहते हैं। तो अब ये नॉन रन ये देखें ऐसे रखते हैं और लाइट ये देखिए अभी हैंडल की जो है वो ये हैंडल को छट कर रहे हैं इसमें। ये भी एक जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखिए ये पैर पर है, पैर का भी लंबाई होती है आप कहीं पैर की गोल पार है, एक खाना ला है हो जाती है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लकड़ी काटी जा रही है, ये देखें जो भी एक्स्ट्रा जो खराब लकड़ी थी उसको ये जैसे कितनी वो ब्लेड के साथ वो काट रहे हैं। जैसे कितना अब इसका रिजल्ट अच्छा बन रहा है, मज़ीद उसका रिजल्ट अच्छा बनता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा बैग हो गया, बिल्कुल साफ, और इसमें शाइनिंग भी मज़ीद जो है ना वो बढ़ती जा रही है। जी फ्रेंड आप देखें इसकी शेप देखें, पहले ये लकड़ी कैसी थी, आप देखें कि इसमें कितनी शाइनिंग और कितना इसमें जो है ना वो निखार आ गया। बिल्कुल वाइट हो गया। ज़रा इसको क्लोज करें बैट को, इसकी शेप देखें, जरा इसकी शेप देखें और इसे कर्व हो गई है बिल्कुल ऐसे, मतलब एक अच्छा लग रहा है कि देखने में लग रहा है एक अच्छा बैट तैयार हो गया। तो जो भी मेरे ख्याल में मिडल में ये इधर बॉल लगेगी वो छक्के पे जाएगी। देखो मशीन से अब हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं। इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, उस्ताद तो इसको नमदा कह रहे थे। मतलब इसमें ये ब्लेड लगा होता है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। इसमें अब जो थोड़ी सी जो मतलब साइड है, मतलब ये जैसे बिल्कुल फ्लैट बैट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ऐसे। बीच में कोई चीज़ भी जो है ना वो ये लकड़ी मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये साज जो है ना ये थोड़ी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा लकड़ी है ना बीच में जो एक्स्ट्रा उसकी वो जो है ये देखें आपके सामने, ये कैमरा मेरा ज़रा जूम करें ज़रा, ये देखें। इससे ये होगा कि बैट की जो शाइनिंग भी बढ़ेगी और बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल कितना, आप देखें आगे से कितना नीट और क्लीन हो रहा है। ये बताइएगा ये मतलब कैसे ये आप इसे करते हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये इसकी शेप के लिए होता है या शाइनिंग के लिए? ये इसकी शाइनिंग के लिए होता है, इसकी शाइनिंग अच्छी हो जाती है। जो आगे हमने इसका काम करना है, बफ लगानी है जी, ये उसके लिए होता है कि बफ जो है ना खूबसूरत लग जाती है और बैट की शाइनिंग खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, इसका मकसद है जो आपने बफ लगानी है उस पर वो ईजिली मतलब कोई रुकावट नहीं होती, ये बिल्कुल वो कैसे कहते हैं नरम मुलायम हो जाता है, नरम मुलायम हो जाता है और इसका जो स्ट्रोक है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, स्ट्रोक में भी फर्क पड़ता है। अच्छा, ये हैंडल वो कहते हैं कि उसको अच्छे वाला, ये हैंडल की क्वालिटी होती है? हाँ, दो तीन किस्म के हैंडल होते हैं। ये जो हैंडल है ये लचक वाला हैंडल होता है, इसको फुल केन बोलते हैं। फुल केन? हाँ। अच्छा, फुल केन हैंडल जो होता है ना इंडोनेशिया से जो केन आता है उसका बनता है ये। अच्छा, तो ये लचक वाला हैंडल होता है, ये टूटता नहीं है। सही हो गया। बहुत मजबूत होता है जी और अच्छी इसकी पोजीशन बनती है। जब खिलाड़ी खेलते हैं ना, इसको ऐसे पकड़ते हैं, खेलते हैं तो उनको भी पता चलता है कि चीज़ अच्छी बनी हुई है, ये हैंडल की वजह से। दोस्तों ये बैट यकीन करें मेरा तो दिल कर रहा था ये सारे बैट जो है ना वो ले जाऊँ, तो शायद इससे मैं इंशाल्लाह ये एक बैट खरीद भी लूँगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये बैट देखने में। मैं फर्स्ट टाइम ये इधर कारखाने में आया हूँ, तो अक्सर मैं यहाँ से गुजरता और देखता था, तो मैंने फिर उसका से एक दिन कहा और मुझे आज मौका मिला, तो आज हम इनके इधर पास आए हैं। बैट ये क्रिकेट बैट है, इसकी बात इसका खत्म हो गया अब उसका जी। ये अब हमारा ये भी ऑपरेशन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएंगे साहब, वो हम बफ लगाएंगे जी। अब हम भाई शहबाज कह रहे हैं जी बफ लगाएंगे, चले हम चलते हैं अब अपनी बफ मशीन पे। दोस्तों ये आ गई हमारी बफ मशीन। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल नरम मुलायम है, ये रबड़ लगी हुई है, तो इस पे इसे क्या कहते हैं? रेगमाल। ये रेगमाल इसके ऊपर उस्ताद और उन्होंने भी चढ़ाया है, इसके अंदर हवा भरेंगे। और अब इसके अंदर मजे की बात है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये देखें जैसे हम टायर में अपने मतलब हवा भरते हैं ना साइकिल में, टायर में, अब इसमें भी साथ ही हवा भरने लगे हैं। उससे ये कि ये जो ट्यूब बीच में रखी है ना, तो ये मतलब इसमें हवा भरी जाएगी और उससे जो बैट की जो नरम व मुलायम और उसमें जो शाइनिंग है उसमें मज़ीद निखार आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह ही बिल्कुल हॉकी भी हमारे सियालकोट में जो है ना वो काफ़ी मकदार में बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा कारखाने हैं और काफ़ी बड़े कारखाने भी हैं, जैसे कि अब मलक वालों की बैट है, मलक वालों की वो हॉकी भी है, और बहुत ज़्यादा बड़ी सियालकोट में। मैं आपको बताऊं कि हद से ज़्यादा क्रिकेट की, फुटबॉल की, बॉक्सिंग ग्लव्स की, पूरी दुनिया में सियालकोट को स्पोर्ट्स के हवाले से पहचाना जाता है। तो अब ये हवा इसमें भरी गई है, तो अब ये हमें ये करके दिखाएंगे ये अब क्या करते हैं, बैट को नरम और मुलायम कैसे करते हैं। स्टॉप ही हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे। ये देखेंगे ये बैट की जो शाइनिंग और इसमें जो नरम मुलायम, नरम बिल्कुल ऐसे बैट में आप देखें, आप बताएँ ये बैट में आप ये करते हैं, फिर मैं आपको दिखाते हैं। क्या बात है सर, ये इसकी फायर देखें आप, इसकी शाइनिंग देखिए ज़रा। कैमरा मैन मेरा क्लोज करना इसको यार, ये चीज़ दिखाओ, देखिए कितनी इसमें सफाई और कितनी शाइनिंग आ रही है। ये कितनी एक बैट को कितनी देर लगाते हैं? एक बैट को तकरीबन 1-1.5 मिनट लग जाता है, ऐसे 1.5 मिनट लग जाता है बैट को क्लियर करने में। फिर सही हो गया सर, बहुत मेहनत है आप। दोस्तों मैं आगे भी आपको कह रहा था कि मैं जो ये नंबर है इनका वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके अच्छा बैट आप ऑर्डर करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैट बनवाना चाहते हैं आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी का बैट भी। शहबाज भाई क्या कहते हैं, क्यों शहबाज भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई दिल लगी आपको मालूम होता है इस तरह की मुझे चाहिए, तो वो जैसे कोई हल्का इस्तेमाल करना चाहता है, कोई कहता थोड़ा वजनी हो, कोई कहता इस तरह का उसकी वो बिल्कुल वो अपने बैट की पिक्चर भेज दे, उस तरह की बन जाएगी, हर चीज़ बन जाएगी। और ये बैट है जिसको मैंने अभी बफ लगाई है जी, ये बैट मैं देखना चाहूँगा जी। आप कैमरा ये पकड़े माइक जरा। दोस्तों यकीन करें अभी इसका मेरे ख्याल में आधा काम हुआ है, ऐसे ही है, अभी इस पर थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी आप ये देखें, ये इसकी शाइनिंग देखें, ये देखें इसकी साइडें देखें, और इसकी ये चीज़ देखें, ये इसकी ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ इसका स्ट्रोक आप चेक करें, कमाल है ये। और बिल्कुल ही हल्का है, इस पर जब वो ग्रिप लगेगी और ऊपर धागा इसके वो लगेगा तो कमाल हो जाएगा। तो अभी हम ये बैट पकड़े जी, अपना बहुत शुक्रिया आपका जी। अभी हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है जी? इसको अब हम अंदर लेकर जाएंगे पैकिंग हॉल में। हाँ, जिधर तैयारी इसकी होती है जी। इसको पहले हम वो चमक वाला लेकर लगाएंगे, ठीक हो, लेकर लगा कर फिर इसको सारा यानी कि धागा और ग्रिप सारे कंप्लीट करेंगे। अगर किसी ने बोलना है कि मोनो लगा दे, अपनी फैक्ट्री का लगा दे, तो हम अपनी फैक्ट्री का लगा देंगे, यानी कि नेक्स्ट वो बोलता है हमारा लगा दो तो फिर उनका लगा दें जी। दोस्तों आपके सामने आरा मशीन से हम गए वहाँ पे नमदे पे, जहाँ पे इन्होंने इसको एक्स्ट्रा जो लकड़ी थी उसको उन्होंने सही किया। उसके बाद हम इसको क्या कहा था आपने तो इसको हमने बफ लगाई शाइनिंग के लिए। तो अब हमारा यहाँ से काम ख़त्म हो गया है। चलें दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पैकिंग हॉल में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पैकिंग हॉल में। तो बैट काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने आगे क्योंकि लॉकडाउन था तो जैसे ही इन्हें वो ख़त्म हुआ इन्हें मौका मिला था, माल सारा मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ भेजना था भेज दिया। अब हमारे पास चंद ही बैट यहाँ पैकिंग हॉल में बचे हैं। एक मेरे हाथ में, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगा बैट, यकीन करें बहुत ही। ये देखिए ये स्टाइल देखिए इसका, ये चीज़ देखिए, ये देखिए, और ये देखें ये साथ में क्या चीज़ लगाई है फाइनल के लिए, इससे मतलब अच्छा स्टोर बन जाता है। तो अभी हम उसका जो बैट जो वायर तैयार किए थे अब हम उसका को कहेंगे कि हमें वो जिससे वो क्या ऊपर लगाते हैं लकड़ा वगैरह, उससे क्या शाइनिंग आती है तो वो हमें करके दिखाएं। तो मैं नाज़रीन आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बैट ऑर्डर पर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नंबर दे दूँगा, तो नंबर मैं दे दूँगा, आप हमसे ऑर्डर भी इसका कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बैट ज़रूर देंगे। तो ये एक बैट देखें, इसकी शाइनिंग आप देखें, ये देखें शाइनिंग, इसकी लुक देखें, ये देखें 22 नंबर है, ये किसी की फरमाइश पे ये इन्होंने बनाया। तो ये देखें ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर मतलब कंपनी का कोई लोगो नहीं लगवाया, आप भी अपना कोई नाम अपना कोई लोगो वगैरह कहेंगे तो हम आपको वो लगा के देंगे। साथ में एक और बैट दिखाइए, ये लॉट ऑफ वराइटीज इनके पास यहाँ पे मौजूद है। आप इस बैट को देखिए, लुक एट दैट, वाओ सो नाइस बैट, आई लाइक दिस बैट, वंडरफुल। ये इसके ऊपर भी इसका भी थोड़ा सा काम रहता है लेकिन काफ़ी पता चलता है इस पर मेहनत हुई है। ये बैट जो है ना, ये बैट जो अभी हमने बाहर तैयार किया है, ये फ्रेंड्स आप देखें, ये इसकी क्लोज कीजिएगा। ये बैट अभी जो हम बाहर तैयार कर रहे थे ना, ये देखें उसको अभी ये ग्रिप लगाई है, ये ऊपर लोगो लगाया अभी लगाया हमने, ये ऊपर ग्रिप लगाई है और इसकी आप शाइनिंग देख रहे हैं, दिल खुश हो गया। हालांकि बाहर आप देख रहे थे कि इसकी शाइनिंग जो है ना मतलब बिल्कुल ऐसे डल बैट था, बिल्कुल अच्छा नहीं था लग रहा, लेकिन इस पर मेहनत हुई है। तो ये उनका ये स्टाइल आपने कस्टमर ने जैसा इनको बोला इन्होंने वैसा ही किया। ये बैट देखिए, ये वही बैट है जो बाहर वाइट बैट तैयार हो रहे थे, उस पर आप ये देख सकते हैं। शुक्रिया, ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।